सब्सक्राइब कीजिए मूवी सीन्स को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉनसून सूट आउट मूवी के ट्रेलर के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ये फिल्म हमें 2013 में देखने मिलने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? तो वो प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया का सेंसर बोर्ड। वेल, हमारे इंडियन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया था कि वो इस फिल्म को रिलीज कर पाए, जिसके चलते ये मूवी पूरे 4 साल तक सेंसर बोर्ड में फंसी रही। उसके बाद फिर आई थी एक फिल्म जिसका नाम था हरामखोर। वो फिल्म भी नवाजुद्दीन की थी, लेकिन उस फिल्म पर भी प्रॉब्लम उठा था सेंसर बोर्ड का और वो फिल्म भी रिलीज होने से कैंसिल हो गई थी। लेकिन कुछ झमेलों के बाद ये दोनों फिल्म रिलीज हो रही है, तो उसका रीजन है हमारे नवाज भाई की फैन फॉलोइंग। जी हाँ, किक फिल्म के बाद हमारे नवाज भाई की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई, जिसके चलते बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के चुंगल से छुड़ाया। तो उसका एक एग्जाम्पल हम इस फिल्म को भी देख सकते हैं। वेल, तो इस फिल्म को अब प्रोड्यूस अनुराग कश्यप कर रहे हैं, जिनकी आदत है हमेशा से सेंसर बोर्ड से लड़ने की। तो अब बात कर लेते हैं इस ट्रेलर की। तो ये इंडिया का पहला इंटरएक्टिव ट्रेलर है। वेल, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता, इंटरएक्टिव का मतलब है कि हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये फिल्म कैसी चलेगी। तो चलिए अब पहले ट्रेलर पे नजर डालते हैं, बाद में उसके इंटरएक्टिव ट्रेलर पर नजर डालेंगे। और ये फिल्म सभी फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हो चुकी है, बस सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होनी बाकी थी, तो अब वो 15 दिसंबर को हो जाएगी। तो हम ट्रेलर के स्टार्ट में देख सकते हैं कि किसी बंदे ने कुल्हाड़ी से आकर एक इंसान को मार दिया, और अगले सीन में हमें एक हेड दिखाया जाता है, जिससे कि ये साफ होता है कि ये फिल्म काफी वॉयलेंस होने वाली है। लेकिन ये हमारा इंडिया है, ज्यादा डिटेल्स देखने नहीं मिलेगी। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अमित कुमार। वेल, इन्होंने इसके पहले बायपास जैसी शॉर्ट मूवी डायरेक्ट की है। उसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर आदि को, जिन्हें उनके फादर के ध्यान के बाद पुलिस वाला बनाया गया है। तो वो खान के साथ में शूट आउट करने के लिए रेडी बैठे हैं, जिससे कि उन्हें उनके केस में उस एक्स मैन को ढूंढना है जैसा स्टोन मैन था। तो इन पुलिस वालों को शक है हमारे नवाज भाई पर, जो इस फिल्म में शायद विलन हो सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि ये एक इंटरएक्टिव ट्रेलर है। और बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो ये एक रात पर ही होगी, जिसमें कि एक रात पर ही आदि को ये फैसला करना है कि उसे हमारे नवाज भाई को गोली मारनी चाहिए थी या नहीं। और हम आगे देख सकते हैं कि शिवा को आदि ने पकड़ लिया है, लेकिन वो उसे शूट करने के लिए सोच रहा है। तो क्या वो उसे शूट करेगा या नहीं, ये उस पर नहीं हम पर डिपेंड करता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेलर खत्म हो जाता है और अब डिसीजन आता है हम पर कि क्या हम शिवा को मरवा दे आदि के हाथों या फिर उसे जाने दे। तो पहले देखते हैं हम कि अगर आदि ने शिवा को गोली मार दी तो क्या होगा। इससे वो इंस्पेक्टर खान की नजर में काफी ऊंचा हो जाएगा कि उसने अपना काम काफी अच्छी तरीके से किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि उसने गलत किया है। और हम आगे देख भी सकते हैं कि शिवा की वाइफ आकर उसे बताती है कि वो एक आम आदमी था, जिससे कि हमारे आदि को भी यही लगता है। और फिर हम देख सकते हैं कि शिवा की वाइफ की लाइफ के साथ में क्या होता है, उसका असर शिवा के बच्चे पर पड़ता है और वो जाकर हमारे आदि को मारने की कोशिश करता है। ये थॉट हमारा आदि सोचता है कि जब वो शिवा को गोली मार देगा तो क्या होगा। और अब बात करते हैं अगर शिवा ने उसे गोली नहीं मारा होता तो क्या होता। तो फिर हम देखते हैं कि ट्रेलर वही है, लेकिन इसमें हर चीज को चेंज कर दिया गया है। जैसे कि शिवा बच गया है तो अब वो आदि के पीछे लग गया है, और हमें ये दिखाया जाता है कि सच में शिवा एक बड़ा विलन है। तो ये फिल्म मुझे कहीं ना कहीं रमन राघवन 2.0 की तरह लग रही है, क्योंकि इस फिल्म में हम हमारे नवाज भाई का वही साइको अंदाज देख सकते हैं कि वो किस तरीके से आदि को परेशान कर रहा है। वेल, तो इस ट्रेलर को देखकर मैं एक ही बात कहूंगा कि इस फिल्म में दो स्टोरी है, एक वो जो आदि उसे शूट कर देगा तो क्या होगा, और दूसरी अगर आदि ने उसे शूट नहीं किया तो क्या होगा। जिससे कि ये स्टोरी बिल्कुल सिंपल है और हमें समझ भी आती है कि असल में इस फिल्म की स्टोरी है क्या। वेल, तो जो नवाज भाई के सबसे बड़े फैन है वो तो इस फिल्म को मिस नहीं करने वाले, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि नवाज भाई की एक्टिंग की एक अलग ही बात है जो सभी को पता है। वेल, तो बस इस ट्रेलर में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।